एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर ने अपने ब्रांड नेम से पैक करके कंपनी को सप्लाई कर दिया। ऐसा कुछ करके इन्होंने अपनी खुद की लग्जरी कार खड़ी कर ली। किसी को नहीं पता कि इस पाउडर से सारे लग्जरी मेकअप बनते हैं जो मिनिमम 18,000 किलो में बिकते हैं। 1 किलो बनाना पाउडर सिर्फ 160 में तैयार होगा। अगर आप कॉस्मेटिक कंपनी नहीं खोल सकते तो इसे अपनी ब्रांडिंग देकर एज इट इज 1,000 रुपीज में सेल कर सकते हैं। इसका ग्रॉस मार्जिन 600% का है। और इतना भी नहीं करना तो इसे बल्क में बिस्किट, कुकीज, केक, बेबी फूड, एनिमल फूड, मेडिसिन और कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरर को सप्लाई कर सकते हो। और इन सब इंडस्ट्री की वजह से बनाना पाउडर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इनफैक्ट नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस और यूएसए हर साल बिलियन में इंपोर्ट करते हैं। अपने घर से स्टार्ट कर सकते हो। स्पेस एंड इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है तो 7.5 लाख में मैन्युअल प्लांट सेटअप हो सकता है। इतना ही नहीं, केले के छिलके भी वेस्ट नहीं होंगे क्योंकि छिलके का पाउडर भी मिनिमम 60 रुपए किलो में बिकेगा। आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, लाइक कस्टमर कहाँ मिलेगा, किसको बेचना है, प्रोडक्शन कैसे करना है, ब्रांडिंग कैसे करनी है, पैकेजिंग कहाँ से लानी है। इस वीडियो को देखने के बाद बनाना पाउडर बिजनेस से रिलेटेड कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे बनाना पाउडर बनाने की कॉस्ट। इसे बनाने में जो मटेरियल लगेगा वह है रॉ बनाना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, 1 किलो पाउडर बनाने के लिए करीबन 4 किलो लगेंगे। तो हम पता करेंगे अपने स्टेट में, अपने आसपास की मंडी में होलसेल रेट क्या है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि इसके रेट डेली चेंज होते हैं। इसको ट्रैक रखने के लिए मैं यूज करता हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्रीपिल्स और कमोडिटी ऑनलाइन। अच्छा, सिर्फ बनाना ही नहीं, आप इनको कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लाइक दाल के हो, सब्जियां, फ्लावर एंड फ्रूट्स के होलसेल प्राइस डिस्कवर करने के लिए यूज कर सकते हो। इनफैक्ट आप यहां से डायरेक्टली फार्मर से खरीद भी सकते हो। चलिए ओपन करते हैं commodityonline.com। क्लिक करेंगे मंडी प्राइस पर और सिलेक्ट करेंगे बनाना ग्रीन स्टेट में, मान लो गुजरात, और मार्केट में अहमदाबाद। सामने देखिए प्राइस आ गया है एवरेज 1800 रुपए। कुंटल में बिक रहा है 1 कुंटल, मतलब 100 किलो, यानी 18 रुपए किलो पड़ेगा। अब एग्री प्लस पे भी चेक कर लेते हैं। ये वेबसाइट मार्केट प्राइस टैली करने के लिए है। देखिए, रेट बहुत जरूरी होता है मार्केट से टैली करना। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट फ्यूचर में कितने का बिकेगा। चलिए, अगर आप इसको खरीद लेते हैं, अब इसे घर लाने की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और कुछ खराब माल निकलने के चांसेस को मिलाकर ये मान लिए 30 रुपए किलो पड़ेगा। और 1 किलो पाउडर बनाने के लिए 4 किलो बनाना लगते हैं क्योंकि छिलका निकालने से और सूखने के बाद फ्रूट्स का वेट कम हो जाता है, यानी रॉ मटेरियल की कॉस्ट हो गई और मल्टीप्लाई बाई 30 इज इक्वल टू 120 रुपीज। फिर छिलके उतरवाने और दूसरे काम के लिए लगने वाली लेबर कॉस्ट और वाटर इलेक्ट्रिसिटी पैकेजिंग के एडिशनल 40 रुपीज पर किलो बनाना पाउडर पर ऐड कर लेते हैं। मतलब ये हो जाएगा 120 प्लस 40 इज इक्वल टू 160 रुपीज। ये है पर केजी आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट। दोस्तों, जैसे आपने देखा, मैं यहाँ पर सारी कॉस्ट हायर साइड में है। ये ध्यान में रखते हुए कि एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल की कॉस्ट कभी भी बहुत ज्यादा हाई भी हो सकती है और कुछ स्टेट में केले इससे महंगे भी मिलेंगे। और अगर प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई भी चली जाती है तो उतरे हुए केले के छिलके फेंकने की बजाय उसे भी जो पाउडर बनाएंगे और उसे सेलिंग प्राइस से आपको एडिशनल इनकम हो जाएगी। क्वेश्चन ये और आता है कि बनाना की कौन सी वैरायटी बेस्ट है पाउडर बनाने के लिए। इसका आंसर है, इस इंडिया में मोर देन 19 वैरायटीज के केले उगते हैं और मोस्ट ऑफ वैरायटीज स्टेट स्पेसिफिक होती है। इसीलिए आपके स्टेट में जो बेस्ट है उसी की बनाओ। ये कुछ वैरायटीज है जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये वैरायटी आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। अब बात आती है इसे बनाया कैसे जाए। ये बड़ा सिंपल है जैसे वीडियो के बिगिनिंग में बताया था, लेकिन इस प्रोसेस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है बनाना, स्लाइस को सुखाना या ड्राई करना। इतनी बनाना स्लाइस को घर में या छत पर सुखना डिफिकल्ट हो सकता है। एक अच्छा मैनुअल ड्राइवर मशीन करीबन 1,80,000 से 4.5 लाख तक आती है। इंडिया मार्ट पर आपको इसके सप्लायर मिल जाएंगे। पाउडर का करें क्या, तो इसमें माइका और सिलिका मिलकर आप मेकअप प्रोडक्ट बना सकते हो।
माइका और सिलिका के बारे में आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। ये क्या होता है? इसमें कॉस्मेटिक लाइसेंस लगेगा, जिसको लेने के लिए प्रॉपर मशीनरी और प्लांट की रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है। सेकेंडली, आप FSSAI का लाइसेंस लेकर ऐसे फूड प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, इसमें कोको पाउडर या कोई भी नेचुरल चीज मिलाकर और ज्यादा प्रीमियम रेट में सेल कर सकते हैं, जिसके लिए हमें IndiaMart.com या ट्रेड इंडिया पर लिस्टिंग करके अपनी मार्केटिंग करनी होगी। इसके अलावा जो हर नए सप्लायर करते हैं, ये मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा, गूगल IndiaMart या ट्रेड इंडिया पर सर्च करो बेबी फ्रूट मैन्युफैक्चरर, या जिसे भी तुम्हें ढूंढना है वहां से कॉन्टेक्ट लेकर उनसे बात करो कि आप उन्हें पाउडर सप्लाई कर सकते हो, वो भी कॉम्पिटेटिव रेट्स में, और इस तरह आप बल्क में सप्लाई कर सकते हो या फिर अपना ब्रांड बना के आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में सेल कर सकते हैं, लाइक अमेजन, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट, मीशो, इन सब में सेल कर सकते हैं। अब बात आती है ब्रांडिंग की। आपको अपना एक सिलेक्टेड ब्रांड नेम चूज करना है, जिसे लोग सुन के आकर्षित होकर आपके प्रोडक्ट पे आए या सर्च करें। आपने देखा होगा बहुत से नामी कॉम्पिटिटर्स, कोई भी कैटेगरी हो, वो अपना ब्रांड नाम कुछ अलग हटके रखते हैं। ब्रांड नेम सबसे सही तरीके से आप नेमलिक्स से ले सकते हैं। नेमलिक्स एक तरीके की वेबसाइट है, और जो आपके ब्रांड का लोगो है वो कैनवा से बना सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें कुछ भी आपको खर्चा नहीं करना है, और ज्यादातर कैनवा फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसमें आप अच्छा लोगो बना सकते हैं। ये दोनों में अवेलेबल है, canva.com या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं ये एप्लीकेशन। अब बात आती है कि आप इसकी लेबल की डिजाइन कैसे चूज करें, तो प्रोसीजर सेम ही रहेगा। आप कैनवा के सर्च बॉक्स में लिख सकते हैं लेबल, फिर देखेंगे आप हर टाइप के लेबल आपके सामने आ जाएंगे। कई लेबल अपने हिसाब से चूज करके कस्टमाइज्ड कर सकते हैं, और इसे यूज करना बहुत इजी है। अब हमारा लेबल भी तैयार हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर ये है कि इसे हम पैकिंग सप्लायर के साथ शेयर करेंगे, ताकि ये लेबल का प्रिंट निकाल दे, या फिर आप अपने नियर बाय स्टोर जाके इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। और अगर पैकेट वाली पैकेजिंग करना है, तो इसके लिए भी IndiaMart में ऑप्शन रहता है। आप IndiaMart से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, एक प्रोफेशनल पैकेजिंग तैयार करके आपको दे देंगे, या फिर माई परफेक्ट पैक और पाउच मेकर्स, इन वेबसाइट के थ्रू आप अपना एक प्रोफेशनल पैकेट ऑर्डर कर सकते हैं। ये ब्रांडिंग वाली कस्टमाइज्ड, आप 100 से 200 पैकेजिंग भी ऑर्डर कर सकते हैं। एक एस्टीमेट अमाउंट बता देते हैं पैकेजिंग का, अगर बॉक्स पैकिंग करवाते हैं तो 10 से 12 रुपए में हो जाएगी, और पन्नी वाली जो पैकिंग होती है 8 से 10 रुपए के बीच में जाएगी। ये जो पैकिंग की कॉस्ट डिपेंड करती है आपके ऑर्डर पे, स्टार्टिंग में आप मिनिमम क्वांटिटी से ही शुरू करें। जैसे जैसे आपका बिजनेस आगे आता है, वैसे आप और भी चेंजेस ला सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो फुल रिसर्च और सही जानकारी के साथ बनाई जाती है। ऐसे ही बिजनेस और इंटरेस्टेड नॉलेज वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो में लाइक जरूर कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।